What's up guys? How are you guys doing? I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. So मुसाफिर is back again. So आज है संडे का दिन और मेरे से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अपनी रूफ रैप के बारे में थोड़ा सा हम लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो. तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप में से अगर कोई भी रूफ रैप करवाने का सोच रहा है तो सबसे पहली चीज़ जो आप फेस करोगे वो फेस करोगे कॉस्टिंग डिफरेंस, दूसरी चीज़ है क्वालिटी डिफरेंस, तीसरी चीज़ है इसका जो ग्लू का चिपकने का चीज़ होता है. क्योंकि होता क्या है, आप लोग इस रैप को लगवा तो ज़रूर देते हो, आप लोग देख सकते हैं कैसे इसमें पूरी फाइन क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी. एंड सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है, आप लोग पता नहीं लगा सकते हो कि ये अच्छी क्वालिटी का है या बुरी क्वालिटी का. तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे और बढ़िया कैसे अपनी गाड़ी में रूफ रैप आप लगवा सकते हैं, इसको लगवाने के क्या एडवांटेजेस है और इसको लगवाने के क्या डिसएडवांटेजेस है. तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग ज़्यादा तरीके से करेक्ट मेरे साथ कर सको तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें. मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले. सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए. तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो. तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अगर आप लोग कभी भी अपना रूफ रैपिंग करवाने के लिए जाते हैं तो आपको प्राइस का इतना ज्यादा डिफरेंस दिखने वाला है. सो वो प्राइस डिफरेंस स्टार्ट कैसे होता है, 500, 800, 1000, 1200. और अगर आप ब्रांडेड यानी कि आप कंपनी से जाके करवाते हैं तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप लोग 3M की ही टेप लगाओ. तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो प्ले करता है जो आपकी बेसिकली ये टेपिंग होती है इसका ग्लू. सो अगर आप लोग कभी भी ये 500-600 रुपये वाला अगर रैपिंग अपने उसमें लगवाते हैं, सो गाइज ये आपका एक या दो महीने में आपकी गाड़ी का पेंट खराब नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही आप लोग 6-7 महीने बाद इसको रिमूव या चेंज कराने की कोशिश करेंगे, ऑल दो आप लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग पूरा ऊपर से गर्म हवा मार के इसको निकालें, लेकिन प्रॉब्लम क्या आने वाली है, जो आपकी गाड़ी का पेंट होता है वो भी इसके साथ निकलने लग जाएगा. इसी के साथ में अगर आप लोग थोड़ा सा क्लोज आते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, मैंने सबसे पहले करीबन 2-3 महीने से ऊपर हो चुका है जो आप लोग ये ऊपर का देख रहे हैं, ये रूफ मैंने पूरा का पूरा ब्लैक करवाया था. सो गाइस इसको करवाते वक्त मैंने एक चीज़ सोची थी कि कहीं मेरी गाड़ी ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने साइड वाली चीज़ नहीं करवाई थी. लेकिन जब मैंने 2 महीने बाद देखा कि इट्स गोइंग ग्रेट एंड इसका रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया आ रहा है, तो मैंने अपने ये साइड का भी जो पिलर्स है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो साइड के मेरे पिलर्स हैं मैंने इसको भी पूरे ब्लैक करवा लिए थे. एंड ये गाड़ी को बहुत एक एलिगेंट और एक डिसेंट लुक गाड़ी को देता है. सो इसमें आप लोगों को दो ऑप्शंस मिलते हैं, आइदर यू कैन गो फॉर ग्लॉसी या फिर आप लोग इसमें मैट लगा सकते हैं. सो एक बारी मैं ज़रूर आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोग पूरा एक ओवरव्यू देख लीजिए कि कैसा दिखने में है मेरा ये पूरा पूरा. अगर आप लोगों को साइड में जाके दिखाएंगे तो आप लोग एक पूरा आइडिया ले पाएंगे. सो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो ये होती है कि जब भी मिट्टी विट्टी होगी तो वो इसके ऊपर इजिली चिपक जाती है और बहुत इजिली दिखती है, जैसे कि ये पत्ता है इसके ऊपर अभी गिरा हुआ है. सो अभी तो मैंने गाड़ी क्लीन करवाई है तो इतना आपको पता नहीं चल रहा है. सो यहाँ पर अगर ग्लॉसी लुक के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ग्लॉसी लुक ऐसा दिखता है. इसके बाद मैं आप लोगों को अपनी स्विफ्ट भी दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने आगे से मैट करवाई हुई है. लेकिन गाइस जो फर्स्ट चीज़ है और मेन चीज़ है वो यही रहने वाली है कि अगर आप में से कोई भी अपने रूफ रैपिंग करा रहा है तो प्राइसिंग डिफरेंस आपको देखने को मिलता है. सस्ती चीज़ के पीछे मत भागो, जहाँ पर आपको दिखता है कि ये एक ट्रस्टेड जगह है, स्पेशली अगर जो शॉप से मैंने कराया आप वहाँ से जाके करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टेड जगह है और इनका ग्लू की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने अपनी गाड़ी की केयर भी देख ली. i20 में आप लोगों ने पूरा रूफ रैप और सारी रैपिंग देख ली है. सो जो मेरी स्विफ्ट है मैंने इसको एक बिल्कुल डिफरेंट लुक दिया है. सो गाइज मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग जरूर देखें, थोड़ी सी मिट्टी आपको ऊपर की तरफ दिखेगी जिसके बारे में बात कर रहा था. एक क्लोजर व्यू अगर आप लोग लेते हैं, सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लैक के साथ यही होती है, अगर आप लोग देखेंगे सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ईजिली मिट्टी जम जाती है और आपको बार बार इसको क्लीन करते रहना पड़ता है. लेकिन गाइस अब अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी. जहाँ तक आप लोगों ने ग्लॉसी की चीज़ देखी थी, आप ग्लॉसी देख चुके हैं. दिस इज़ द प्योर जो आपका मैट थिंग है वो मैंने इसमें करवाया. एंड अगर आप लोग लाइफ स्पैम वाइज देखेंगे किसका ज़्यादा लाइफ स्पैम है, ग्लॉसी या फिर अगर आप लोग मैट के बारे में मेरे से पूछते हैं, तो ग्लॉसी में आपको स्क्रैचेस बहुत ईजिली ज़्यादा दिखते हैं. अगर आप कंपेयर करते हैं उसको मैट के साथ तो मैट का लाइफ स्पैम ज़्यादा है. इसी के साथ मैंने ये जो है अपना रैप नहीं कराया, रीज़न बीइंग कि इसमें जो रैपिंग है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, तो इसमें मैंने पेंट करवाया था. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए. तो अगर आप लोग रूफ रैप करवाते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें इसमें फेस करनी पड़ेगी. सो जब भी आप रूफ रैप करा के आएंगे नेक्स्ट दिन,
उस दिन तो आपको इतना सारा चीज़ें नहीं दिखेगी क्योंकि बिल्कुल फ्रेशली वो लगा होता है, लेकिन नेक्स्ट दिन आपको थोड़े थोड़े उसमें बबल्स दिखने स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा घबराना नहीं है क्योंकि बबल्स को हटाने का सबसे ईजी तरीका क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बार क्लोजर व्यू आप लोग आ जाइए। बाई चांस आपके यहाँ पर अगर कोई बबल आया हुआ है तो बेसिकली वो बबल इतना होगा, आपने एक छोटी सी पिन लेनी है, उसके ऊपर हल्का सा एक मारना है और ऐसे करके फैला देना है एंड देन इट्स गुड टू गो। और अगर आप लोग सस्ती वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप 500 या 600 रुपये वाली लगा रहे हैं तो उसमें भी आपको स्टार्टिंग की चमक ऐसी दिखती है, शाइन भी ऐसे ही रहता है। लेकिन वही बात है, अगर आप लोग ग्लू वाइज बात करेंगे सो ऑलवेज गो फॉर द ट्रस्टेड प्लेस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गो टू 3M या फिर कोई ट्रस्टेड जगह से लगाओ, लेकिन आप जहाँ से भी करवा रहे हो वहाँ से जो पुराने यूजर्स हैं उनका एक बार आप लोग रिव्यू या फिर उनका फीडबैक ज़रूर देखें और उसी के बाद वो काम करवाएं। साफिर की साइड से आप लोगों को एक फ्री एडवाइस है, अगर आपकी गाड़ी में मेरे जैसा ये स्पॉइलर लगा हुआ है गाइस, इसके नीचे वाली जो चीज़ होती है वहाँ तक आप लोग रैपिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में स्पॉइलर लगा हुआ है तो स्पॉइलर में आप लोगों को रैपिंग नहीं करानी है। रीज़न बीइंग, जो इसके साइड्स होते हैं, एक बार मैं जल्द चाहूँगा क्लोजर दूंगा, जो इसके साइड वाले होते हैं यहाँ से पूरा जो रैपिंग होता है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेस्ट चीज़ जो है जो आप लोग करवा सकते हो वो है इसके ऊपर आप लोग ब्लैक पेंट, जो कि एक कोबरा पेंट होता है, अगर आपके पास कोबरा पेंट है तो उसको आप इजीली करवा सकते हैं, उसकी वजह से इसमें शाइन रहेगी। इसी के साथ साथ में अगर इसके ऊपर आप लोग रैपिंग करवाएंगे तो रैपिंग कुछ टाइम बाद उखड़ जाएगी और आपके प्राइस वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या रैप लगवाना अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। तो अगर आप लोग रैप लगवा रहे हैं, सबसे बड़ा जो फ़ायदा रहता है वो होता है कि आपकी रूफ अंदर से बिल्कुल सेफ रहती है। ऑल्दो अगर आप गलत जगह से लगवा रहे हैं तो ग्लू आपके पेंट को इफेक्ट करेगा, लेकिन आप अगर अच्छी जगह से इसको लगवा रहे हैं सो अगर बाई चांस आप कभी भी गुजर रहे हो ऊपर से कोई पेड़ की कोई टहनी निकली हुई है तो उससे यूजुअली ऊपर आप लोग देखेंगे कि कभी कोई स्क्रैच लग जाएगा, कुछ लग जाएगा, वो सीधे आपके पेंट के ऊपर आता है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये लगाया हुआ है तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी बिल्कुल ओके रिपोर्ट रहने वाली है। इसी के साथ में कई सारे भाई करते क्या है, वो अपनी पूरी गाड़ी को रैप करा लेते हैं। मैंने यूजली देखा है होंडा सिविक लोग करा लेते हैं, होंडा सिटी करवा लेते हैं, एकॉर्ड करा लेते हैं, उनको फुल रैप करा लेते हैं। गाइस अगर आप अपनी गाड़ी को फुल रैप कराने का सोच रहे हैं, नेवर एवर गो फॉर इट। रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोग जब पूरी गाड़ी को रैप कराते हैं, गाड़ी में कुछ ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप रैपिंग लगा तो देते हैं फॉर ए टाइमिंग, 10 दिन तक, 8 दिन तक, 9 दिन तक वो रैप चढ़ा रहेगा, लेकिन उसके बाद वो रैप हटने लग जाता है। सो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि आप अपना प्राइस भी इतना अच्छा लगाएंगे गाड़ी के ऊपर और उसके बाद आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो सबसे सेफेस्ट जगह है आप अपनी रूफ करा लो, पिलर्स करा लो, क्योंकि इन जगह निकलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर आप मुसाफिर की तरफ से रिकमेंडेशन देखते हो तो वाइड गाड़ी के साथ ये रूफ वाला जो चीज़ है ये दिखता तो ज़बरदस्त है क्योंकि एक इवोक वाला लुक देता है, लेकिन वहीं पर अगर आपके पास स्टारडस्ट जैसी गाड़ी है और इसके पिलर्स ऑलरेडी आप लोगों को ब्लैक मिलते हैं, देन इट्स अ वेरी गुड फिक्स फॉर यू। सो रूफ रैपिंग का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये परमानेंट नहीं है। गाइस आप कितनी भी अच्छी जगह से लगा लो, लेकिन मैक्स टू मैक्स ये 1.5 या 2 साल तक ही मतलब इसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। क्वालिटी से मेरा क्या कहने का मतलब है, जो इसकी शाइनिंग होती है वो डल होती जाती है टाइम के साथ। इसी के साथ में मेरी तरफ से आप लोगों को रिकमेंडेशन है कि आप लोग 1.5 साल तक केवल इसको यूज़ करें, उसके बाद इसको आप रिमूव करवा दें। जब भी रिमूव करा रहे अच्छी जगह से रिमूव करवाएं, क्योंकि अगर इसको गलत तरीके से रिमूव किया गया तो ये आपके पेंट को हार्म कर सकता है। कंपनी वाले या फिर कोई ट्रस्टेड जगह कुछ भी कहे कि ये लाइफ टाइम आपका चलेगा, गाइस डोंट डू इट। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके पेंट के ऊपर 200% का फर्क पड़ेगा। रीज़न बीइंग की जो लाइफ होती है वो उसकी इतनी ही होती है, वो भी अगर आप अच्छी जगह से करा रहे, अगर आप सस्ता और बेकार जगह से काम करवाते तो उसमें आपकी उससे भी जल्दी आपकी गाड़ी को हार्म करना स्टार्ट कर देगा। तो चॉइस आपकी है, लेकिन स्टिल प्रेफरेंस जो है मुसाफिर की साइड से आपको मिल चुकी है। आप में से कई सारे भाइयों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि मुसाफिर आप हमें बताओ कि कहां से हमें ये काम कराना चाहिए। तो जहां से मैंने अपनी दोनों गाड़ी कराई है वो है हरप्रीत भैया से, करौल बाग में। अगर आप लोग जा रहे हैं तो हरप्रीत भैया का नाम पूछ लेना, ही इज़ वेरी गुड एट इट एंड उनकी जो क्वालिटी है दैट इज़ टू प्रीमियम। आप लोगों को ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। स्टिल अगर आप लोग महंगी जगह यानी कि 3M जाते हैं तो 3M में ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। 10,000 रुपये मांग लेंगे लेकिन काम आपको वही मिलेगा जो हरप्रीत भैया करके देंगे। 3M की मैंने जो टेपिंग है वो कटते हुए देखी हुई है, सो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो अक्लमंद है उसके लिए केवल एक इशारा काफ़ी है। टैलेंटेड लोग है करौल बाग में, बस आप लोगों ने ढूंढना है कि वो टैलेंटेड लोग कहाँ मिलते हैं। इसी के साथ में अगर फाइनल वर्डिक्ट मेरे से आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपको रूफ रैप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सो
अगर आप एक ट्रू कार लवर है, मेरे ऐसे स्पेशली मेरे को गाड़ी के ऊपर रैपिंग कराना, उसको अच्छा बना के रखना बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप लोग श्योरली गो फॉर इट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये नहीं लगाओगे तो गाड़ी आपकी अच्छी नहीं चलेगी, अच्छी दिखेगी नहीं। गाड़ी की जो सुंदरता है वो नॉर्मल में भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसके आप ऊपर ये काम करवा लो अच्छी जगह से, ट्रस्टेड जगहों से, तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो नॉर्मल गाड़ी तो चलेगी। इसके बाद आप में से सबके सब ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या कॉस्टिंग में मैंने अपनी गाड़ी में पूरा रैप करवाया था। सो अगर आप लोग ओवरऑल जो पूरा कराते हैं तो वो आपको 4,000 रुपये करीब का क्लेम कर जाएगा, आपको इससे सस्ता रैप भी मिल जाएगा। लेकिन गाइस क्वालिटी का वही फ़र्क की बात है, अगर आपको इससे अच्छा और सस्ता अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है तो यू कैन श्योरली गो फॉर इट। लेकिन पहले फीडबैक ले लेना, उसी के बाद कुछ भी काम आप लोग करवाना। तो इट्स टाइम कि इस वीडियो को एंड कर दिया जाए, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जिन भाइयों ने रूफ रैप करवाना है उनके लिए तो ये जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव होगी, लेकिन जिन जिन भाइयों ने इसके बारे में अभी तक सोचा नहीं था उनको भी एक ओवरव्यू मिल चुका है। वीडियो किसी भी पॉइंट में इन्फॉर्मेटिव, बढ़िया और आप लोगों के देखने लायक लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब तभी करना है अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, कंटेंट आपके काम का है, तभी सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखो और नेक्स्ट वीडियो देख लेना। लेकिन अगर पसंद आता है तो प्यार दिखाना बनता है मुसाफिर को। इंस्टाग्राम में आप लोग अंधा प्यार दिखा रहे हो, और प्यार दिखाओ, लिखो MUSAFIR 7011 यानी कि मुसाफिर 7811। फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। इसी के साथ आपका भाई आएगा नई वीडियो के साथ मोस्ट प्रॉब्ली कल, क्योंकि अब हम लोग ट्राई करते हैं कि डेली एक ब्लॉग ला सके। कंटेंट कम है लेकिन हम लोगों को किसी ना किसी तरीके के लिए अपनी फैमिली के लिए कंटेंट लेके आना है। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।